रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम एक निमको की रेसिपी दे रहे हैं और जिसका नाम है गाठिया। ये रेसिपी बहुत ही लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो है आपने मिक्स निमको में देखा होगा, अलग से भी लोग लेकर जाते हैं। जिनको पसंद होती है वो तो उनको तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी रेसिपी है। तो उनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी इस रेसिपी के लिए, मैंने 200 ग्राम यानी कि 2 कप जो है वो मैंने बेसन लिया है, 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है, 2 चुटकी देख लें कितनी, और इसमें जो है ना 1/4 टीस्पून जो है वो अजवाइन और 1/4 टीस्पून ही नमक जाएगा। 3 खाने के चम्मच हमने ऑयल लेना है और पानी से हमने सख्त सा गूंद लेना है। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ऑयल शामिल किया, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाथों से भी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि चम्मच से ही की जाए। ऑयल हमें फ्राई करने के लिए भी चाहिए होगा, थोड़ा सा भी पानी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसको सख्त सा गूंदना है ना। ये देखिए इतना सख्त होना चाहिए ये, ठीक है, बिल्कुल जैसे ये, बिल्कुल सख्त ना। अच्छा, इसमें हमें एक मशीन चाहिए होगी जिससे हम जो है वो गाठिया तैयार करेंगे, और इसमें जो है वो अटैचमेंट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की है, बारीक वाली भी है, और देखेंगे हम ये स्टार वाला जो है इस्तेमाल करते हैं या 3 स्टार वाला इस्तेमाल करते हैं। ये स्टार नहीं है, हाँ ये, ठीक है, मैं चेक करती हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए इसको ना ऑयल लगा लें, और मैंने अभी ये चेक किया है तो 3 वाला ठीक है, 1 वाला जो है ना वो टाइम लगेगा उसमें से। ये देखें बिल्कुल कितनी लचक, कितनी देखें, इसमें ना ये भर दें, बाकी का जो है ना हम बाद में करते हैं। ये इसको बंद करके, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो फिर कढ़ाई की तरफ चलते हैं। मेरी बाजू भी इतना कमीज के है, जितने ऑयल में आते उतने करें, बाकी को छोड़ दें। चलो गिरो, और इसको हम जो है ना स्पाइडर से फ्राई करेंगे। ये देखें फ्राई हो गए हैं, और चेक कर लीजिएगा ऑयल गर्म में इसको डालिएगा। ये देखें इसको हम निकालते हैं, और नेक्स्ट जो है वो परागा, बिस्मिल्लाह। इसको तोड़ना ही पड़ेगा वरना ये लटकता ही जाएगा, इतनी जगह नहीं है मेरी कढ़ाई ही में भाई। ये देखिए तैयार हो गए हैं, और ये जो है एक बात मैं बताऊं कि इसमें आपने चाट मसाला डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, मिर्चें डालनी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सादे ही होते हैं, नमक वाले होते हैं खाली। तो इसी तरह ये बनते हैं, और आपने भी बनाना है, मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे, और बहुत मज़े के बने, मैंने टेस्ट किया है, और आप भी बनाइएगा। उन पंजाबी दासा मैं लिया सी तकरीबन 200 ग्राम जोड़ा ना बेसन लिया सी, ठीक है, और मैं ना थोड़ा सारा नमक पाया सी, थोड़ा सारी अजवाइन पाई है, बाकी मैं तेल दे नाल ते पानी दे नाल उन्हें गुन लिया वे। बड़ी आसान रेसिपी है, ऐनी है कि बस तुसी मेहमान जाना बैल बजाना घर दी तो तुसी को आ रही है मैं दरवाज़ा खोलन, तो तुसी उन्हें तक ना दरवाज़ा खोल तो पहले पहले तुसी ये बना के ना रख सकते हो, यकीन करो बड़ी जल्दी बनती है, हाँ अगर घर बहुत उच्ची हो तो। ऐसे हो गई सी मेरी थोड़ी सारी यहो जी गल्ला फनी चीज़ा की किया जाए, रह नहीं सकती मैं। अच्छा काम भी करो तो फिर मूव बना के काम करना, काम तो करना ही है। वैसे मेरा मूड आज बड़ा सा खराब हो गया, छोड़ो रहा मैं नहीं खेल रही, तो जरा मैं बनाओ तो मैं अपनी गांव जो याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।